आम आदमी पार्टी सुल्तानपुर दे इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने किसानों दे खेतों दा मुआयना किया। दस दिए कि ब्यास नदी विच पानी दा स्तर वधण कारण पानी नूं झोने दे खेतों विच वहा दिता गया, जिस कारण नवी बोई किसानों दी फसल बर्बाद हो गई। इस मौके गलबात करदिआं होर की कहा हलका इंचार्ज ने, आओ सुनदे आं। पहली बार होया कि पिछे बरसात ज़्यादा होने करके पहाड़ों दे विच ते पानी इत्थे ज़्यादा आ गया, काफ़ी ज़्यादा पानी है, पर इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं होया कि जिस तरह कह सकी है कि बहुत ज़्यादा नुकसान, पर यह है कि जिन्होंने ताजे झोने लाए है तो वो कई जगह मारे गए ने ते वो दोबारा लाने पै सकते है। तो बाकी डीसी साहब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन असी सारे इन टच हाँ, तो उस तरीके नाल अगे हरीके हेड तो जिहड़ा पानी छड़ाना ते बाकी जिहड़े इंतजाम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। तो अज इन्हां दीआं सुनन आए सीगे क्योंकि जो अखी देख लईए तो फिर वो दिमाग 'च रहिंदी पिक्चर, तो सवेरे डीसी साहब भी आए सी ते हुण मैं खुद आया तो सारा हालातों का जिहड़ा जायजा लवांगे। हाँ चीमा साहब, जिस तरह कि दरिया जदों ब्यास दे लागे आपां जाणे तां इक हिस्से 'च आ, इत्थे आ के दो हिस्सिआं 'च दरिया वंडिया जांदा, गब्बे उच्चा आ साइडां तो नीवा, कोई सरकार इत्ते योजना बना रही है कि गब्बे डूंगा हो जाए साइड दे पक्के उच्चे कर दे। तुहाडी गल बिल्कुल सही है, किते भी दरिया जदों चलदा कुछ देर चलदा है वह विच रेता ते मिट्टी जमा हो के सेंटर च उच्चा हो जाता है तो उहदा जिहड़ा भार है वह कंढिआं ते पैना शुरू हो जाता है। और पिछले समय दे विच तकरीबन 20 सालां तों यह वापर रहा है कि माइनिंग जिन्नी भी की गई है वह कंढिआं तों की गई है, उहदे नाल होर जिहड़ा वह उच्चा हो गया जिहड़ा दरिया का सेंटर सीगा। सो पानी उन्ना जिन्ना का अगे स्पीड नाल जाना चाहिए वह दरिया च जा नहीं रहा, तो पानी सेंटर दे विच ते बिल्कुल कई बार इदा कि दो फुट पानी मेरे ख्याल च हुण होगा, तो सेंटर साइडां दे विच पानी ज़्यादा है और बन्ना ते प्रेशर पा के टुटन का जिहड़ा वह खतरा हुंदा जिहदे नाल लोकां ने आप बन्न मारे है, तो वह जे टुट गया तो फिर तो बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा वह हो सकता है। सो मैं ये सरकार दे नाल मैं बेनती भी करूँगा, लिख के भी भेजूँगा कि इतों मिट्टी चुका के रेता चुका के जिहड़ी सरकार खुद वेचे ते नाले ते आमदन होगी, नाले सेंटर दे विचों ए नीवा होण दे नाल पानी जिहड़ा वह साइडां ते मार नहीं करूँगा और पानी का बहाव जिहड़ा बिल्कुल सही हो जूगा। देखो जे मैं ये कई अफसरां नाल और ईवन जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नाल ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुकिया, संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी उन्हां नाल भी मैं ये डिस्कस किया सीगा कि सेंटर चो मिट्टी पुट के बन्ना नूं जिहड़ा ना वह उच्चा कर दिता जाए और उन्हां बन्ना दे उत्ते पिछे ब्यास तो ही इधरले पासे नूं दो सड़कां बन जाण और खुल्लियां सड़कां बन के प्लांटेशन हो जाए और सेंटर जिहड़ा खूबसूरत पानी नाले तो कोई नुकसान नहीं करूगा और बहुत सोहना पानी जिहड़ा उहदा वहा हो जूगा, उहदे विच होर तरह तरह दीआं जिहड़ियां वाटर गेम्स ने वह डिवेलप कीतियां जा सकदियां, इस एरिए नूं टूरिस्ट स्पॉट बना के इहनूं डिवेलप कीता जा सकदा है। सो इस संबंध दे विच मैं जितन भी कितें मंत्री साहब नूं मिलिया ये मैं रायपुर बकायदा लिख के रखी है ते नाले ते सरकार नूं आमदन होगी कि इत्थों रेता जिहड़ी कढ कढ के सरकार आप विच आमदन होगी, नाले ये डूंघा हो जूगा, पानी का वहा सही हो जूगा, खूबसूरत हो जूगा और ये जिहड़े आपां नूं हर साल मुआवजा देना पैंदा है, हर रोकू इंतजाम करने पैंदे ने, इन्ना पैसा खर्चना पैंदा उहदे तों वी बचा हो जूगा। ठीक है, नाम आ पिंड सांगरा जी, सानूं इस चीज़ नाल बहुत फायदा होगा, असीं ये चाहुंदे वी आ कि जिद्दां मन लो जिहड़ा दरिया वा ये जमीनां नालों विचों मन लो रेता पै पै के साइडां तों डिग डिग जां उत्तों जिथों पानी आउंदा उत्थों मिट्टी आण आण के पूरिया होया वा, जिद्दां कि मन लो ये खालिया जावे यदी कोई परची लग जाए जिदा सरकार नूं भी कोई फायदा होगा, जे यदी परची लगेगी तो सरकार जिहड़ा खालण वाला वा खालता लोगों ने देना जिन्हां नूं रेता की लोड़ है जी उन्हां लै जाणा, सरकार नूं ये भी फायदा होगा। बाकी ये जिहड़ा साडा इलाका वा ये है बहुत वधिया वा, जिदा कह लईए भी ये इत्थे सैल सूल करन वास्ते भी जगह जिहड़ी वधिया बन सकदी है। दूजी गल ये कि साडे चीमा साहब जिहड़े मंत्री आ जिन्ना क मन लो असीं उन्हां दी नॉलेज दे विच दिंदे आ उन्हां को कम साडे वधिया करन डिया मन लो जी, जिहड़े हिसाब नाल असीं दरिया का भी दस्सिया कि इस हिसाब नाल होना चाहिए उन्हां ने अज भी दरिया दे विच पानी जिहड़ा ज़्यादा आया उन्होंने साडी आण के इत्थे सार लई है जी। खालसा वाहिगुरू जी, मैं जी सतनाम सिंह बाबूपुर मंड, वाहिगुरू जी अं सरकार को यह मंग करते हैं कि आ जिहड़ा दरिया आ ना इहनूं थोड़ा जिहा डूंघाई 30-35 फुट किया जाए, ये सानूं करन नाल साडियां फसलां बच सकदियां वा,
असी मतलब कि साडे रस्ते बच सकते आ, साडियां जिहड़ियां फसलां हर साल मारियां जांदियां उन्हां तों साडा बचाव हो सकदा वा। बाकी आ साडे सज्जन सिंह चीमा जी, इन्हां ने बहुत वधिया विस्तार नाल समझाता वा भी ये डंगाई ज करे ये गांह आने वाला मौका जिहड़ा वा ये अं सैर सपाटा भी बना सकते हैं, तो सैर सपाटे नाल इत्थे इतों पैसा भी मतलब सरकार कमा सकती है ये रेता दे चुक के। हुण वेखो ये बहुत उच्चे आ ते इहदे उच्चे होण करके ते पानी बाहर निकल जाता वा इहदे दरिया चों ते तां करके फसल छेती डुब जाती है, तो जे डंगाई च चल जाए तो फसल डुब ही नहीं सकती। ये तो अं इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करते हैं चीमा साहब का भी, तो होर आने वाले भी सज्जन उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।